और ये देखो भाई, ये ऑस्ट्रिच है लेकिन कलरफुल देखो कितना है। सो भाई अभी आपको दिखाते हैं ये वाला स्नेक। से हाय, घर चलोगे? नहीं, ये देख सकते हो बड़ा जानवर हो गया। बोल सब क्या खतरनाक जानवर, देखो 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 भाई सब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम आए भाई जंगल सफारी में। तो भाई सारी हमारी टीम जो है वो रेडी हो रखी है, एंट्री कर रहे हैं हम। सब अंदर जा रहे हैं भाई। ना तो पानी की बोतल ले जा सकते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक ले जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते अंदर पार से। और भाई ऐसे टैग लगा देंगे आपको, आप जहाँ भी जाओगे ना, ताकि आप एक दूसरे को पहचान लो कि आप भाई टीम में हो। और अंदर भाई कुछ अलाउड नहीं है। अलाउड है तो एक शिपर में ले जाना अलाउड है, और उस शिपर की कॉस्टिंग अलग जोड़ते हैं ये। मतलब एक जो 80 बात की आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो 150 की हो जाती है शिपर में डालने से, और शिपर आपको वापस जमा कराना पड़ेगा। सो भाई अभी सारे एंट्री कर रहे हैं सफारी में, ये मरीन पार्क। सो अभी चलते हैं अंदर भाई। अंदर जिराफ वगैरह सब है, उनको खाना खिला सकते हो भाई, डॉल्फिन शो है। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम जा रहे हैं अंदर। और भाई इस तरीके से ये चेक करते हैं, ये जो कोड है ये चेक किया है इन्होंने, तो इस कोड से ही आपकी एंट्री होगी भाई हर जगह। तो इसको भी थोड़ा संभाल के रखे जब तक आप किसी जगह पे पहुंच नहीं जाते। सो अभी दिखाते हैं आपको मकाओ भाई, जो पैरट होते हैं कलरफुल पैरट, सबसे पहले आए ये। सो वन बाय वन अभी आपको एक एक करके दिखाएगा भाई, जो मैं देखता जा रहा हूँ वही आपको दिखाते जाएंगे। सबसे पहले भाई ये पैरट आए हैं, मकाओ जिसको बोलते हैं हम, कलरफुल पैरट है। आगे देख भाई क्या क्या है। और भाई दो ये हमारे ऊपर बैठे हैं बिल्कुल ये। सो भाई ये हमारा क्रोकोडाइल व्यूइंग प्लेटफॉर्म भाई, इस तरीके से आप आओगे। एक ये रहा पानी के अंदर भाई, ये देख रहे हो आप, ये है मगरमच्छ। ऊपर से मुंडी मुंडी दिखती है मगरमच्छ की, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तब दिखेगा। सो भाई एक गार्डन ये आ गया क्रोकोडाइल का भाई, वो सारे क्रोकोडाइल है, वो देख रहे होगे ना आप, ये सब क्रोकोडाइल है उस तरफ। थोड़ा कैमरे को मैं पास ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सो भाई आप ना यहाँ ये वाली एक्टिविटी भी कर सकते हो, इनके रेट यहाँ लिखे हुए हैं। खुले उड़ के नहीं जाएंगे? बहुत सारे जिराफ है यहाँ पर, बहुत सारे जिराफ। और ये देखो भाई, ये ऑस्ट्रिच है लेकिन कलरफुल देखो कितना है भाई। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है दुनिया में। सो भाई अभी आपको दिखाते हैं ये वाला स्नेक, ये देखो भाई। अभी आ गए हम बस में, और यहाँ हो रही है हमारी सफारी। और यहाँ क्या है ना भाई, आपको बस में ही घुमाएंगे, और वहीं से आप देख सकते हो सारे जानवर जो भी है। सो भाई जैसे हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं ना, हमारे पीछे भाई गाड़ी आ रखी है कई सारी, और प्राइवेट गाड़ी भी आ जाती है अंदर, ये देखो भाई। सो ये पूरा पाथ बना रखा है इन्होंने भाई, उसमें आप गाड़ी से भी अपनी गाड़ी भी हायर करके आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन हम पूरी टीम के साथ है तो हमारी बस इसके अंदर से जा रही है। दारीदार का ध्यान जबर आए का देख लगा तो सही है कहते हैं जी ब्रा वर्दी कर दिया किसी ने ड्रेस बना दी ड्रेस बना दी दिखा के है तो गधे ही। सो अभी चलते हैं भाई फ्रंट में बस के, और वहां क्या व्यू आ रहा है वो दिखाते हैं आपको। देखियो भाई साहब, पता ना चील है, बाज है, के सोदा है, हमारी तो समझ में आया नहीं, तुम कमेंट में बताइयो भाई। मेरा ना पता कुछ नहीं है, इसे तू चल जी लगा तू रे कटे रे बड़ा का भाई साहब। ये देखो यार कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके, आप बताने इतने लंबे सींग आपने कहीं पे देखे हैं? देखो ये कुछ और आ गए हैं सींग, देखो इनके सर की, देखिए ये देखिए अलग अलग तरीके के जानवर पक्षी। ये देखिए आप, ना पानी को मतलब सर्कुलेट किया जा रहा है कि पानी खड़ा खड़ा सड़ जाता है ना। ये देखिए कितने सारे पक्षी हैं, देखिए शेर कैसे पड़े हैं यार, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने खाना खा लिया है, पहली बार लाइव देख रहे हैं भाई साहब। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। यहाँ पे साफ साफ लिखा स्टे इन योर कार, अपनी कार से बाहर ना निकले आप, डेंजरस एनिमल हेयर भाई, साइन बोर्ड है यहाँ पे, इफ कार ब्रेक्स डाउन साउंड योर हॉर्न एंड वेट। नहीं ये देख सकते हो बड़ा जानवर हो गया, बोल सब क्या खतरनाक जानवर, देखो 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 भाई सब। जब बाहर जाता हूँ भी यार, भाई मैं नहीं जाऊंगा बाहर, यहाँ ना
खिड़की खोल के घूम रहे हैं भाई गाड़ियों की, पता नहीं टाइगर कैसे रखे हुए इन्होंने। ये वही हिरण दिख रहे हैं जो सीता मैया को उठाने के लिए जब आया था रावण तो सोने का मृग बन के आया था। बहुत सारी उम्मीदें लगा के खड़ा है ये, पता नहीं क्या चाह रहा है कि कोई मेरे को गोद ले ले। से हाय, घर चलोगे? अब आप देखेंगे बालू हिमालयन ब्लैक टेबल के लिए ना करंट के तार लगा रखे कि ये बाहर ना आए। देखिए बैठे बालू सोने कुछ सोने लग रहे खड़ बैठा हुआ है। सारे जानवर देख लिए आज एक ही दिन में। हम नहीं डाला सोने लग रहे हो पानी मजे ओए होए होए मस्ती मस्ती मस्ती। सो गाइस अभी भाई अपना जो टूर था सफारी का वो हो गया भाई फिनिश और उसके बाद अभी जाएंगे भाई शॉपिंग के लिए सब। सो भाई फाइनली चलते हैं अपने घर की तरफ और भाई थक चुके हैं घूम घूम के एक्सप्लोर कर करके, तो अभी जा रहे हैं भाई फ्लाइट के लिए। बस हमारी रेडी हो चुकी है और भाई रात की फ्लाइट है अपनी, तो आपसे सीधा मिलते हैं हम इंडिया में। तो भाई ने भाई ऑर्गेनाइज किया था, थैंक यू भाई, बहुत मजा आया सबको भाई। ऐसा एंजॉय इंडिया में नहीं मिल सकता जो हमें एंजॉय ऐसा यहाँ मिला है। और आँखों में नींद हो रही है, आँखों में नींद हो रही है, सोए बिल्कुल नहीं है भाई, घूमते एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से हम 1.5 से 2 घंटा सोए, इससे ज्यादा हम सोए नहीं, क्योंकि भाई बाहर आके ना सबको यही होता है, जितना एंजॉय कर सकते हैं करो, एक्सप्लोर करो भाई, घर जाके रेस्ट होगा अपना ना। सो अभी चलते हैं भाई एयरपोर्ट पे, पकड़ते अपनी फ्लाइट। हेलो, आप सभी को कैसा लगा? मैं फाइनली पूछना चाहूंगा, यहाँ आए ठीक है, अपना घर छोड़ के आप आए यहाँ पे, गलती तो नहीं की? सबने बड़ी एंजॉय किया, जो उम्मीद आप यहाँ पे लगा के आए थे आने से पहले, उन उम्मीदों पे आपका ट्रिप खड़ा उतर है, उससे बेहतर निकला। दो धाम की यात्रा हो गई, एक बैंकॉक और एक पटाया, दो धाम में। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, वो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा हमारा, ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसी ट्रिप रहेगी मेरी। और प्रवीण भाई हमेशा सस्पेंस रखते हैं, सस्पेंस भाई ने क्या रखा कि एक दिन पहले पता लगता है कि आपकी टिकट आ गई है, कन्फर्म है और आप चल रहे हो। अरे वाह, मजा ही आ गया। टिकटों को लेके मेरा अब बहुत ज्यादा विश्वास भी बढ़ चुका है कि मैं इसको अब अपनी पहली प्रायोरिटी पे काम करूंगा, और हमारे ग्रेट लीडर ने जो हमें ऑफर दिया है उसको मैं पूरा सबसे फास्ट अचीव करूंगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम जिम कॉर्पोरेट भी जाएंगे और फुकेट भी जाएंगे अगले महीने। अभी आपको 1 तारीख को एक नया ट्रिप मिल जाएगा, उसकी किस कैलकुलेशन से मिलेगा वो 1 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ट्रिप क्या मिलने वाला मैं आपको बता देता हूँ। अगले महीने हम 4 रातें और 5 दिन जिसमें से हमारी फुकेट और कराबी का रहेगा और जिसमें से यहाँ पे हमारा पटाया भी रहेगा, ठीक है। इसकी किस कैलकुलेशन पे ट्रिप रहेगा 1 तारीख को आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। आपको उसके साथ एक चीज ये और बतानी है कि आप कितने लोगों को अपने साथ ट्रिप अचीव करा के लेके आएंगे। तो सुमित भाई आपने अपनी अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन कितने लोगों को आप अपने साथ लेके आएंगे? मैं मेरे साथ कम से कम 10 लोगों को साथ में लेके आऊंगा। ग्रेट। तो भाई राम राम सबको। भाई मैं भी काफी लोगों से पहली बार मिला हूँ, संजीत और इन सबको तो मैं बचपन से जानता हूँ। सो भाई एक चीज मैं बताऊँ, एक ना फेथ होता है, ठीक है, आंख बंद करके विश्वास करो कुछ चीज पे, भाई कामयाब हो जाती है। मेरे को इतना विश्वास है कि ये धंधा जो है ना ये चढ़ाएगा कहीं पे, ठीक है। सो थैंक यू, राम राम। सो भाई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हम, ये है एयरपोर्ट का माहौल। थैंक यू सो मच। और भाई इन्होंने बहुत ख्याल रखा है हमारा, थैंक यू। और भाई एयरपोर्ट पे आ गए, एयरपोर्ट का रात का माहौल ये है। सो अपना लगेज ले लेते हैं भाई पहले ना। हाँ भाई सारे अपना लगेज ले रहे हैं सब, हमारा ये रहा। सो भाई जाते वक्त एक एक सामान का ध्यान रखे अपना, कुछ भूल के ना जाए क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है फिर। सो भाई ये हो रही है हमारी एंट्रेंस, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। सो फाइनली पहुंच गए भाई एयरपोर्ट पर, अपनी फ्लाइट लेते हैं और मिलते हैं आपसे दिल्ली में।